अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो पोटैटो रेसिपी है। यकीन माने इतनी मज़े की रेसिपी है कि आप जब इसको बनाओगे, उसको टेस्ट करोगे ना, तो कमाल हो जाएगा। तो ये इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पर मैंने दो पोटैटो ले लिए हैं, आप एक भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जब आप इंग्रेडिएंट्स सारे मिक्स करोगे तो ये काफ़ी बन जाएंगे। तो यहाँ पे पोटैटो ले लिए, इसको मैंने बॉईल कर लिया और ये इस हद तक बॉईल है, मतलब जैसे भी बॉईल कर लें अच्छे से आपने इसको बॉईल कर लेना है। उसके बाद है मेरे पास टमाटो एंड हरी मिर्चें, चॉप्ड प्याज है, धनिया है। उसके बाद मेरे पास जो है आलू, वो मैंने बाउल में ऐड कर लिए थे और इसको मैंने मैश कर लिया था फॉक की मदद से। आप इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से कि इसमें बिल्कुल आलू जो है ना, ये ना हो कहीं पे ये मैश्ड है और कहीं पे मैश्ड नहीं है, कि पूरा ही आलू पड़ा हो, ऐसा काम नहीं करना। इसके बाद इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्चें चॉप्ड ऐड कर दी, प्याज ऐड कर दिया, ढेर सारा धनिया ऐड कर दिया। आप इसमें और भी वेजीज इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसके बाद इसमें जो मसाले जाएंगे वो बहुत आम मसाले हैं। एक चम्मच में नमक, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच मैंने धनिया, ये खुश्क धनिया होता है, हाफ टी स्पून इसमें मैंने ऐड किया था गर्म मसाला, और एक चम्मच इसमें ऐड कर दिया साबुत धनिया। इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जी ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें पानी वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करना है, क्योंकि आलूओं का खुद का एक पानी होता है जो बॉईल करने के बाद भी थोड़ा सा रहता है। इसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर के मैं 3 टेबल स्पून ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लोर से एक टेस्ट भी आता है, जब आप इसको पकाओगे ना और खाओगे तब आप इसका टेस्ट इमेजिन कर सकोगे कि कैसा है, और इससे कॉर्नफ्लोर से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो हमने इसको वेल मिक्स्ड कर लेना, हाथों की मदद से कर लें, स्पून की मदद से कर लें, जैसे भी। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं ये क्या है, मतलब बिल्कुल पतला बैटर आपने पानी डाल के नहीं कर लेना। कंसिस्टेंसी मैंने इसलिए यहाँ पर बोला है कि ये ना हो पतला पतला, आप इसको कर लो पानी डाल के आटे की तरह, नो इसको पानी के साथ बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद आप इसकी बॉल्स बना लो और इस तरीके से इसको शेप दे दो। मैंने इसको थोड़ी सी लॉन्ग एंड स्क्वायर शेप दी है, आप यहाँ पर कोई भी इसको शेप देख सकते हैं। पोटैटो की बहुत इजी रेसिपी है, ये मिनटों में तैयार हो जाती है। देखिए इस तरीके से मैं इसको अच्छे से शेप दे रही हूँ, बिकॉज आई लव दिस शेप, जस्ट लाइक कार छोटू सी। तो ये देखें, पहले मैंने बहुत थोड़ा मैंने इसका मिक्सचर लिया है, और ये इतने से मिक्सचर के साथ आप ढेर सारी चीज़ें बना सकते हैं, और रंग बिरंगे आप इसकी शक्लें बनाएं और पेश करें, बहुत ही कमाल की ये लगती हैं। आप देखें अभी तो ये फ्राई भी नहीं हुई और ये इतनी टेस्टी सी लग रही हैं। तो ये देख सकते हैं इसकी जो लेयर है वो सॉफ्ट है और ये बहुत कमाल की है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है जिसको मैंने गरम कर लिया है। इसमें हम ये अपनी सारी गाड़ियाँ है ना जो रख देंगे ताकि ये फ्राई हो जाएं, और लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो ये मैं सारी जो हैं इसमें पोटैटो कार्स जो हैं अपनी इसमें शिफ्ट कर दूँगी। तो ये अच्छे से हमने इसको शिफ्ट कर लेना है आराम आराम से। तो आपने इसके साथ ढेर सारी बना लेनी है। मैंने इसको बहुत हल्के हाथों से इसको टर्न किया है, और लो फ्लेम पे आपने इसको रेडी करना है। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं तो आपने क्या करना है, कॉर्नफ्लोर लेके उसमें हल्का सा पानी ऐड करके और इन सबको डिप करके हल्का हल्का, इतना उसके ऊपर हैवी मिक्सचर नहीं लगा लेना, बिल्कुल हल्का सा आपने इसको जिस लाइक पानी में डिप करते हैं ना जैसे, वैसे करके आपने इसको डाल देना, तो बहुत ही क्रिस्पी लगेगा। तो मैंने ऐसा नहीं किया लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ये क्रिस्पी सा है, और ये सॉफ्ट भी बहुत है, अंदर से सॉफ्ट है बाहर से क्रिस्पी है। तो साथ में मैंने मायोनीज़ बनाई है, मायोनीज़ की रेसिपी मैंने आपको कल बता दी थी, कल मैंने अपलोड कर दी थी, आपने वो ज़रूर देखनी है, कमाल की मायोनीज़ की रेसिपी है।
और ये पोटैटो रेसिपी भी कमाल की है, अपने घर पर ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स ये रेडी हो चुका है। आपने ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कैसी लगी और कैसी बनी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।